हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोलेशन। ठीक है, तो आज हम आइसोलेशन पढ़ेंगे। और इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो हर एक लेक्चर आपका सीक्वेंस में चल रहा है। तो अभी तक 6 लेक्चर हो चुके हैं, ये 7th लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आइसोलेशन। ओके, तो आइसोलेशन में हम क्या क्या करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पहले, उसके बाद ताकि आपको मतलब। तो शुरू करते हैं आइसोलेशन। तो आइसोलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज़ आइसोलेशन। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका बेसिस देखेंगे, किस बेस पे हम आइसोलेशन को मतलब बोल रहे हैं, कि क्या बेसिस क्या है आइसोलेशन करने का। ठीक है, उसके बाद फिर हम थोड़ा देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, मतलब किस किस तरह के बेस पे हम आपका आइसोलेशन को जस्टिफाई करने जा रहे हैं। मतलब एक तो मेटिंग से पहले, फिर एक मेटिंग के बाद, और मेटिंग भी अगर हो गई ऑर्गेनिज्म के बीच में तो फिर मेटिंग होने के बाद क्या होता है, जायगोट बनता है, तो प्री जायगोटिक लेवल पे कैसे आइसोलेशन होता है, पोस्ट जायगोटिक लेवल पे कैसे होता है, तो वो सब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप सिग्निफिकेंस में आपको बताऊंगा कि आइसोलेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज आइसोलेशन, आइसोलेशन होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ आइसोलेशन का मतलब, देखो इंग्लिश वर्ड है आइसोलेशन, मतलब आइसोलेट करना है। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म जो इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले हिंदी में बोल रहा हूँ फिर इंग्लिश में लिखूंगा, पहले समझ लो। तो वो मैकेनिज्म जो इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है, वो इंटरब्रीडिंग आपका विद इन द स्पीशीज भी हो सकती है और डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी हो सकती है, जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन में रहते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में इंटरब्रीडिंग को रोकना है, बेसिकली उसको प्रिवेंट करना है, ताकि उनकी अपनी अपनी जो हेरिडिटरी इंटेग्रिटी है, मतलब एक एक स्पीशीज ये है, एक स्पीशीज ये है, तो इसकी अपनी एक हेरिडिटरी इंटेग्रिटी होगी, इसकी अपनी हेरिडिटरी इंटेग्रिटी होगी। ठीक है, तो ये अपनी हेरिडिटरी इंटेग्रिटी को इसके साथ मिक्स ना कर दे, उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोलेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका आइसोलेशन है। तो मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ, सो द मैकेनिज्म, तो मैंने ये लिख दिया, द मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग इन नेचर अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीशीज एंड हेल्प इन मेंटेनिंग देयर हेरिडिटरी इंटेग्रिटी। ठीक है, तो मतलब जो स्पीशीज अपनी हेरिडिटरी मटीरियल को कैरी कर रही है, वो अगली जनरेशन तक ट्रांसमिट कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा मेनली, ये हमने डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज आइसोलेशन। ठीक है, और इस आइसोलेशन को हम मतलब अगर आइसोलेशन ना मिले आपको तो कहीं कहीं पर इसको आइसोलेटिंग बैरियर भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज इट वर्क्स एज अ बैरियर, आइसोलेटिंग बैरियर्स, या हम इसको और रिप्रोडक्टिव बैरियर भी हम इसको बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव बैरियर्स। ठीक है, तो ये आका लिख देता हूँ, मतलब ऑल्सो नोन एज आइसोलेटिंग बैरियर और रिप्रोडक्टिव बैरियर। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब क्या बेसिस क्या है आइसोलेशन का, बेसिस ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, तो मेनली जो बेसिस होता है आइसोलेशन का वो होता है जो ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है। ठीक है, तो वो जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसी के बेस पे आपका जो, अगर मान लो उनके बीच में मेटिंग हो भी गई है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कैसे आइसोलेशन होता है। सो इट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मतलब जो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का बना हुआ है, तो उसके बेस पर हमारा आइसोलेशन होता है। ठीक है, अब मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम कैसे देखते हैं आइसोलेशन की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर मैं करूँ तो यहाँ पर मैं एक साइंटिस्ट के नाम लेना चाहूँगा, डॉब्जन स्काई ने क्लासिफाई करा था आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को दो तरह से। ठीक है, उसने एक बोला था, एक होता आपका ज्योग्राफिक आइसोलेशन और एक होता आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डॉब्जन स्काई क्लासिफाइड दी आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इनटू दो तरह से हो गया आपका। ठीक है, एक आपका हो गया ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक, और दूसरा हो गया आपका रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो ज्योग्राफिक में क्या होगा, जो ज्योग्राफिक आइसोलेशन होता है, दिस ऑपरेट्स इन द जो एलोपैट्रिक स्पीशीज होती है ना, उसमें ये ऑपरेट होता है, तो ऑपरेट्स ऑपरेट्स ऑन एलोपैट्रिक स्पीशीज। अब आप पूछोगे एलोपैट्रिक स्पीशीज क्या होता है, तो एलोपैट्रिक स्पीशीज वो होता है जो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड स्पीशीज होती है ना, उनको हम एलोपैट्रिक स्पीशीज बोल देते हैं, मतलब दैट इज ज्योग्राफिकली
आइसोलेटिंग स्पीशीज, ये भी आगे आएगा और ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा उसमें ठीक है, जो हम आगे स्पेसिएशन पढ़ेंगे ना उसके बाद उसमें आएगा आपका ये एलोपैट्रिक स्पीशीज़, ठीक है। तो फिलहाल ये समझ लो कि जो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड स्पीशीज़ होती हैं उनको एलोपैट्रिक स्पीशीज़ बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका रिप्रोडक्टिव, यही मेन है, ठीक है। तो इसी को हमने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को हमने बोला कि यही आपका बेसिकली यही है। तो जो ऑर्गेनिज्म जीनोटोपिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे में इंटरब्रीडिंग परमिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो उनमें गलती से हो गया, मान लो ब्रीडिंग हो गई, मतलब मेटिंग हो गई, तो फिर उसको कैसे, मतलब कैसे आगे फर्दर उसको डेवलप होने से रोकना है, तो बेसिकली वो हमारा रिप्रोडक्टिव में आता है, ठीक है। तो इसमें हम मैं लिख देता हूँ कि आइसोलेट ऑन जीनोटिपिकली डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज विच डू नॉट परमिट इंटरब्रीडिंग, ठीक है। तो वो जेनेटिपिकली डिफरेंट स्पीशीज जो इंटरब्रीडिंग परमिट नहीं करती हैं, तो इसमें हम दो तरह से देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे प्री मेटिंग, मेटिंग होने से पहले कैसे रोका जा रहा है, आइसोलेटिंग बैरियर कैसे रोक रहे हैं मेटिंग होने से पहले, और उसके बाद अगर मान लो मेटिंग हो गई तो पोस्ट मेटिंग कैसे रोकेंगे, ठीक है। पोस्ट मेटिंग कैसे रोकेंगे, क्या रोकना है बेसिकली, जो उनका हेरिडिटरी इंटेग्रिटी है ना उसको कैसे मेंटेन करना है, मतलब उसको मिक्स होने से रोकना है बेसिकली। तो मैं ये बार इसलिए बोल रहा हूँ रोकना है। तो पोस्ट मेटिंग में आपका दो तरह से हम देखेंगे, दो लेवल पे देखेंगे पोस्ट मेटिंग। एक आपका मान लो मेटिंग हो गई तो जायगोट बनने से कैसे रोकना है, जायगोटिक, प्री जायगोटिक, और मान लो जायगोट बन गया तो उसके बाद पोस्ट जायगोटिक पे कैसे रोकना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्लासिफिकेशन हो गया कि कैसे कैसे हमने करना है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि प्री मेटिंग पे क्या है, फिर उसके एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर पोस्ट मेटिंग पे क्या है कैसे है फिर उसके एग्जांपल्स बताऊंगा, मतलब पोस्ट मेटिंग में, फिर पोस्ट मेटिंग में जो प्री डाइगोटिक है उस पर कैसे, एग्जांपल के साथ आपको ये याद करना ताकि आप एग्जाम में जब लिखो तो एग्जाम्पल्स आपके जस्टिफाई करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो प्री मेटिंग बैरियर्स, ठीक है, प्री मेटिंग बैरियर्स। तो प्री मेटिंग बैरियर्स का मतलब क्या होता है, ये वो ऐसे बैरियर्स हैं जो आपका डिफरेंट स्पीशीज जो है ना, या मान लो सेम मेंबर भी हैं अगर एक स्पीशीज के, तो उनमें ब्रीडिंग होने से, उनमें मेटिंग होने से रोकना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरीके से रोक सकता है, देखो मैं आपको तीन चार तरीके बता देता हूँ। देखो एक तो हो सकता है इकोलॉजिकली आइसोलेशन हो जाए। इकोलॉजिकली आइसोलेशन का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे बता दूँ, चलो मैं पहले नाम लिख दूँ क्या, नहीं पहले बता देता हूँ। मान लो एक ही रीजन है, ये एक पर्टिकुलर रीजन है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग जगह पे स्पीशीज रहती हैं, तो ये इकोलॉजिकली अलग टाइप के हैबिटेट में रहती है, ये अलग टाइप का हैबिटेट है, इधर अलग है इधर अलग है, बट ज्योग्राफी जो बड़े लेवल पे देखो तो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया, तो इन दोनों में आपका मीटिंग नहीं हो पाएगी, तो ये आपका इकोलॉजिकल हो गया, या हैबिटेट आइसोलेशन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद मान लो कि ये तो एक हो गया, दूसरा हो गया कि मान लो दो एक ही एरिया में दो तरह की स्पीशीज रहती है, मान लो एक स्पीशीज ये है एक स्पीशीज ये है, तो इनको आपस में, मतलब अगर इनका अपना हेरिडिटरी इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है, तो ये क्या करेगी, अलग सीजन पे ब्रीड करेगी, ये अलग सीजन पे ब्रीड करेगी। अगर ये दोनों अलग अलग सीजन पे ब्रीड करेंगी तो इनमें मेटिंग होने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि इनका तो ब्रीडिंग सीजन ही अलग है। तो एक ये तरीका हो गया, तो इसको बोलते हैं सीजनल या टेम्पोरल, मतलब अलग टाइम पे। फिर उसके बाद तीसरा होता है आपका आइसोलेशन। मान लो एक जो स्पीशीज थी वो एक यहाँ पे रहती है और दूसरी यहाँ पे रहती है, और इन दोनों के बीच में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये स्पीशीज इसके पास जाने से पहले सोचेगी ना कि यार इतना लंबा ट्रैवल करके इससे अच्छे आपस में यहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो भी मेटिंग की एक्टिविटी यहीं पे परफॉर्म कर लो, ये हज़ारों किलोमीटर दूर जाके क्यों करना है, ठीक है। तो ये तीसरी टाइप की हो गई। फिर फोर्थ वाली आपकी हो गई, इसको बोलते हैं इथोलॉजिकल या बिहेवियरल। बिहेवियरल इथोलॉजिकल में क्या होता है कि कुछ सिग्नल साइन स्टिमुलाई देता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो साइन स्टिमुलाई देता है कुछ दूसरा। जैसे मान लो हम पढ़ेंगे, जब हम इथोलॉजी पढ़ेंगे ना एनिमल बिहेवियर, तो वहाँ पर देखेंगे कि कुछ विजुअल होते हैं, जैसे कोई बॉडी का मतलब कलरेशन चेंज कर देता है अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, कोई आवाज़ देता है, ऑडिटरी होता है, कुछ वोकल होता है, तो ठीक है अलग अलग टाइप के साइन स्टिमुलाई होते हैं, तो वो सब है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सबके इंग्लिश में लिख देता हूँ और उसके एग्जाम्पल के साथ आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, तो मैं एक एक करके लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमारा हो गया, या सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, डिफाइन इसी को बता देता हूँ कि प्री मेटिंग बैरियर क्या होता है। So that prevent or reduce the likelihood of transfer of gametes, ठीक है, to members of other species,
ठीक है, तो दूसरी स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनसे आपका ट्रांसफर को रोकना है। तो ये क्या क्या हो सकता है, सो इट इंक्लूड्स ये जो मैंने चार नाम बताया आपका, सबसे पहले इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल ये आपका इकोलॉजिकल हो गया, ये मैंने आपको क्या बोला था, ये टेम्पोरल हो गया या सीजनल हो गया, इसको मैंने क्या बताया था, ये आपका डिस्टेंस की वजह से आइसोलेशन हो गया, डिस्टेंस की वजह से हो गया, और ये आपका इथोलॉजिकल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इकोलॉजिकल बताता हूँ। तो इकोलॉजिकल क्या होता है कि ये आपके सेम जोग्राफिक एरिया में रहते हैं, सेम जोग्राफिक एरिया था बट डिफरेंट हैबिटेट है। ठीक है, तो इट कंसर्न विद द पॉपुलेशन दैट अकर्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स विद इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया, सेम ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिक्टेट भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ कोशिश और साफ लिखूँ, बट आपको मैं बोल भी रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि इस टाइप का जो इकोलॉजिकल कौन करता है, एक एग्जाम्पल तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक यूरोपियन मॉस्किटो है जिसका नाम है एनोफिलिस लैब्रेंग कुए करके है। ठीक है, मैं स्पेलिंग लिख दूंगा अभी क्या नाम है उसका। ठीक है, वो क्या होता है कि उसी एक वो स्पीशीज होती है और एक एनोफिलिस होता है जो मैक्यूले पेनिस होता है, वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, एक ब्रैकिश वाटर में रहता है और एक आपका रनिंग वाटर में रहता है। ठीक है, तो उन दोनों में अगर हैबिटेट्स अलग है बट एक ही ज्योग्राफिक एरिया में रहते हैं तो उनमें ब्रीडिंग नहीं होगी। तो मैं लिख देता हूँ यूरोपियन मॉस्किटो। ठीक है, क्या नाम है, एक का नाम है एनोफिलिस लैब्रिंग कुए। ठीक है, ये आपका कैसे रहता है, ये आपका ब्रैकिश वाटर में रहता है, ब्रैकिश वाटर। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका वो एनोफिलिस, एक तो ये हो गया और दूसरा है एनोफिलिस मैक्यूली पेनिस, मैक्यूली पेनिस ये आपका रनिंग वाटर में मिलता है, रनिंग वाटर या फ्रेश वाटर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर ये रनिंग वाटर फ्रेश वाटर में रहता है तो ब्रैकिश वाटर वाले से इसका कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तो इनमें ब्रीडिंग नहीं होगी। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका सेकंड वन इज जो मैंने आपको बताया, टेम्पोरल या सीजनल, टेम्पोरल या सीजनल। ठीक है, तो टेम्पोरल सीजन में क्या है कि ब्रीडिंग सीजन जो है वो अलग है, इसलिए मेटिंग जो है वो प्रिवेंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंस इन ब्रीडिंग सीजन एक सेकेंड, सो डिफरेंस इन ब्रीडिंग सीजन प्रिवेंट्स मेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, इसका भी एग्जांपल है जो अलग अलग टाइम पे ब्रीड करते हैं। जैसे एक है, आपने प्लांट का नाम सुना होगा पाइनस रेडियाटा, और एक दूसरा प्लांट है पाइनस मरिकाटा। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये एक ही जैसे हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं, बट ये अपने पोलन ग्रीन अलग अलग टाइम पे शेड करते हैं। तो अलग अलग टाइम पे शेड करेंगे तो एक दूसरे को फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइनस रेडियाटा एंड पाइनस, ये पूरा लिख लेना, मरिकाटा। ठीक है, सो दे आर फाउंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन कैलिफोर्निया बट दे शेड देयर पोलन ग्रीन एट डिफरेंट टाइम्स। तो लिखूँ क्या, चलो लिख देता हूँ। सो दे फाउंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन कैलिफोर्निया बट दे शेड देयर पोलन एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेम्पोरल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड वन, थर्ड इज आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस, डिस्टेंस की वजह से जो मैंने तीसरा एग्जांपल आपको बताया था। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू कवर दैट लॉन्ग डिस्टेंस, दैट्स व्हाई दैट प्रिवेंट्स द ब्रीडिंग। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू कवर ग्रेट डिस्टेंसेस। ठीक है, ग्रेट डिस्टेंसेस फॉर मेटिंग, मेटिंग के लिए लंबा डिस्टेंस कवर करना ये इनके लिए इनेबिलिटी है इनकी, तो ये नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल
देखो कुछ मैमल्स होते हैं जो आपके होल आर्कटिक एरिया में मिलते हैं, जो आर्कटिक नॉर्दर्न अमेरिका वाला एरिया ना वहाँ पर मिलते हैं, तो ये इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मतलब इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं दूसरे इसी टाइप के जो आपके मैमल्स होते हैं जो होल आर्कटिक एरिया में मिलते हैं। मतलब एक तो अमेरिका वाले ऊपर हो गया, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जो एरिया है, और एक यूरोप के ऊपर जो एरिया है, तो यहाँ पे मतलब जो मैमल्स रहते हैं वो इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना दूर इनको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो ये इसको प्रिवेंट करता है। तो मैं लिख देता हूँ, मैमल्स फाउंड इन होल आर्कटिक एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ओके। तो ये आपका हो गया, ठीक है, तो तीन हो गए। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन, इज इथोलॉजिकल, इथोलॉजिकल या सेक्सुअल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया गया कि इसमें म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है, अलग जो सेक्सेस होते हैं अपोजिट सेक्सेस उसके अंदर म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है, लेकिन ये अगर सेम स्पीशीज है तो उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर डिफरेंट स्पीशीज है तो उनमें वीक इंट्रैक्शन होता है। मतलब वीक मान लो एक बम्बल बी है और एक दूसरी टाइप की बी है, तो उनमें उतना स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता, तो अगर इंट्रैक्शन ही नहीं मिलेगा तो सेक्सुअल एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ कि म्यूचुअल म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द सेक्सेस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज वीक, ठीक है। तो ये वीक है या एबसेंट भी होता है, होता ही नहीं है अलग अलग स्पीशीज के बीच में, ठीक है। कभी किसी मैमल को मतलब किसी ह्यूमन को किसी और एनिमल के साथ मीटिंग करते हुए देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि उनमें जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है वो आपका एबसेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। या मैंने आपको बोला था कि कुछ कलरेशन भी शो किया जाता है, मेटिंग बिहेवियर भी शो करते हैं कुछ स्पीशीज, ठीक है, ताकि स्पेसिफिक जो स्पीशीज स्पेसिफिक मेटिंग है ना वो हो पाए। तो उसमें मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल दिए, तो मैं इस लाइन को भी लिख देता हूँ कि दोज एनिमल्स विच हैव इवोल्व विच इवोल्व द इलेबोरेट कोर्टशिप कलर्स, मतलब एक कलर मैकेनिज्म और एक मेटिंग बिहेवियर, वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। मैं लिख देता हूँ, एनिमल्स हैव इवोल्व एलैबोरेट कॉर्टशिप कलर्स एंड मेटिंग बिहेवियर, ठीक है, फॉर किसके लिए करते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक मेटिंग, ठीक है। तो ये जो कॉर्टशिप कलर फॉर मेटिंग एनिमल हैव इवोल्व, तो ये दो तीन तरह के होते हैं आपके, तीन स्टिमुलाई की फॉर्म में, जो मैंने आपको बोला था ना साइन स्टिमुलाई देते हैं, तो या तो विजुअल भी हो सकता है, ठीक है, ऑडिटरी भी हो सकता है, और आपका केमिकल भी हो सकता है, ठीक है, जैसे फेरोमोन्स जो होते हैं ना वो सब, तो इसमें आपका आता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में करेंगे, ये सब हमारा डिटेल में आएगा इन इथोलॉजी, जब हम इथोलॉजी पढ़ेंगे ना तब हम वहाँ पे इसको डिटेल में करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको एड ऑन करना है ना इसमें, तो ये जो इथोलॉजी में मैं पढ़ाऊंगा वो आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में है और यहाँ पर मैं उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप ये समझ लो कि इथोलॉजिकल में ये होता है, ओके। सो दीज आर द प्री मेटिंग, ठीक है, तो मेटिंग होने से पहले ये हो रहा है। उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेटिंग हो गई मान लो, ठीक है, अगर मेटिंग हो गई तो पोस्ट मेटिंग क्या क्या होता है। तो पोस्ट मेटिंग शुरू करते हैं, पोस्ट मेटिंग में मैंने सब आपको बताया था कि सबसे पहला पोस्ट मेटिंग में मैंने आपको बताया था तीन तरह के बताए थे, प्री जाइगोटिक, जाइगोटिक, और तीसरा नहीं दो ही तरह के तो बताए थे पोस्ट मेटिंग में, दो तरह के, प्री जाइगोटिक एंड पोस्ट जाइगोटिक, ठीक है। तो प्री जाइगोटिक की बात करते हैं पहले, प्री जाइगोटिक क्या होते हैं, ये वो बैरियर्स होते हैं जो मेल और फीमेल के गैमेट को, मान लो मेटिंग हो भी गई तो जो गैमेट्स हैं उनको पास में नहीं आने देंगे, उनको मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे उनका, क्योंकि जब तक वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक जायगोट नहीं बनेगा, तो जायगोट बनने से पहले ही उसको रोक देंगे। तो उसके लिए दो तीन तरह के आइसोलेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि दीज बैरियर्स प्रिवेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स इवन दो द मेटिंग इज अटेम्प्टेड, ठीक है, मेटिंग हो भी गई है तो भी मेल और फीमेल गैमेट जो हैं उनके इन कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये किस किस तरह से रोका जाएगा, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इंक्लूड्स
तीन तरह के मैं आपको बता देता हूँ इसमें। एक तो होगा आपका मैकेनिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन, मैं इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कैसे मैकेनिकली जायगोट को आइसोलेट कर दिया जाएगा। दूसरा होता है आपका फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, कैसे फिजियोलॉजिकली आइसोलेट किया जाएगा। और तीसरा होगा आपका गैमेटिक आइसोलेशन, गैमेटिक आइसोलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैकेनिकल आइसोलेशन की अगर मैं बात करूं कि होता क्या है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं डेमसेल फीस का, डेमसेल फ्लाइज जो होती हैं, डेमसेल फ्लाइज जो होती हैं, उसमें आपका जो वो होता है जेनिटेलिया होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि जो मेल होता है उसका पेनिस जो होता है वो एंटर ही नहीं कर पाता, मतलब मेल का जो जो काउंटर पार्ट होता है वो फीमेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता, तो वो बहुत मैकेनिकली आपको रोक देता है वो, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जेनिटेलिया। ठीक है, तो दैट इज़ मैकेनिकल आइसोलेशन। उसके बाद आपका फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल में आपको पता ही है कि मान लो अगर मीटिंग हो भी गई, ठीक है, मान लो अगर मीटिंग हो भी गई तो अब मीटिंग होने के बाद क्या होगा। ठीक है, अब मीटिंग होने के बाद जो जायगोट है, जो गैमेट्स हैं, वो आपके एक दूसरे के करीब आएंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा आपको ड्रोसोफिला, मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ। तो मैकेनिकल आइसोलेशन में मैं लिख देता हूँ फिजिकल नॉन कंप्लायंस, ठीक है, या नॉन करस्पोंडेंस ऑफ द जेनिटेलिया, मतलब वैसे जेनिटेलिया बना ही नहीं है, उसको लगा कि रिप्रोडक्शन कर लिया उसने बट उसका हुआ ही नहीं, वो बार बार से करके चला गया। ठीक है, तो अंदर जब गैमेट पहुंचने थे गैमेट तो पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, तो फिजिकल नॉन करस्पोंडेंस ऑफ द जेनिटेलिया और द फ्लावर पार्ट, फ्लावर में भी क्या होता है, जो फ्लावर पार्ट होता है वो भी प्रिवेंट करता है कॉपुलेशन को। ठीक है, फ्लावर पार्ट प्रिवेंट कॉपुलेशन, ठीक है, या तो कॉपुलेशन को प्रिवेंट करेगा या आपका जो गैमेट ट्रांसफर है उसको प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो आपको दिया था वही बता देता हूँ। तो डेम सेल फ्लाइज जो है आपका सम DAM होगा, डेमसेल फ्लाइज हैव वेरी कॉम्प्लेक्स जेनिटेलिया, ठीक है, दैट प्रिवेंट्स इंटरमीटिंग। ठीक है, उसको लगेगा कि मीटिंग कर ली बट असल में नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकली रोक दिया उसको। दूसरा फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या है कि कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो फिजियोलॉजिकली कुछ बैरियर क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कौन स्पेसिफिक प्रीडोमिनेंस, कैसे, जैसे मान लो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला स्पीशीज में क्या होता है कि अगर मेटिंग आपका सेम स्पीशीज में हुआ, अगर मीटिंग आपका सेम स्पीशीज में हुआ तो जो फीमेल का जो, जैसे ये है ना, फीमेल का जो वेजाइना है वो आपका जो वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आपका स्वेल कर जाएगी। ठीक है, स्वेल कर जाएगी कॉपुलेशन, जब ऐसे समझो उसको, जब सेम स्पीशीज में इनका कॉपुलेशन होगा, जब सेम स्पीशीज में मीटिंग होगी तो कॉपुलेशन के बाद जो फीमेल है उसका वेजाइना जो है वो वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो आपकी स्वेलअप कर जाएगी, और ये स्वेलिंग जो है वो कुछ ही घंटों में फिर सबसाइड हो जाएगी। तो जब स्वेलिंग, जब तक स्वेलिंग रहेगी तब तक मीटिंग नहीं हो पाएगी, तब तक मेल फीमेल गैमेट जो है वो नहीं मिल पाएंगे, बट एक बार स्वेलिंग हट गई तो मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता जब जब सेम स्पीशीज में हो रहा है, बट मान लो अगर इंटर स्पेसिफिक हो रहा है अलग स्पीशीज में, मान लो कोई और आके इसके साथ मीटिंग कर गया, फीमेल ड्रोसोफिला के साथ आके कोई और स्पीशीज का जो मेल था वो आके मीटिंग कर गया, अब उसको लगा कि मैंने तो मीटिंग कर दिया तो अब मेरे तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देगी ये फीमेल, बट होगा क्या कि इसकी जो यहाँ पर वजाइनल मेम्ब्रेन की जो स्वेलिंग आएगी, जो यहाँ पर वजाइनल मेम्ब्रेन की जो स्वेलिंग आ जाएगी, ये भी क्योंकि मेटिंग हुई है तो भाई स्वेलअप तो होगी, यहाँ पर भी स्वेलअप हो रही थी, तो यहाँ पर जो स्वेलिंग हो रही थी वो सबसाइड कर जा रही थी, ये जो स्वेलिंग थी वो फॉर फ्यू आवर्स, बट यहाँ पर जो स्वेलिंग हुई है ये फॉर डेज होती है ना, ये कुछ दिनों तक हो जाती है, जब कुछ दिनों तक हो जाएगी तो इतने दिनों तक तो मेल गैमेट जिंदा नहीं रहता, बेसिकली 3-4 दिन की उसकी लाइफ होती है, तो यहाँ पर आपका कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फीमेल ड्रोसोफिला भी चालू है ना, उसने क्या, अगर दूसरी स्पीशीज का करके चला गया तो वो अपना वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन को स्वेलअप कर लेगी दिनों तक, ताकि आपका उसका फर्टिलाइजेशन रोक सके। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी स्वेलिंग हो रही है, वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसकी स्वेलिंग हो रही है, तो ये तीसरा हो गया। नेक्स्ट है आपका गैमेटिक आइसोलेशन। ठीक है,
या इसको हम गैमेटिक मोर्टैलिटी भी बोलते हैं, गैमेटिक मोर्टैलिटी। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा कि मान लो अगर डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में मेटिंग हो भी गई, ठीक है, मेटिंग हो गई, तो जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेल गैमेट है, मान लो मैं इसे यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जो टोड स्पीशीज़ होती है ना आपकी, तो जो टोड स्पीशीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट की बॉडी के अंदर एंटर कर गया, मान लो अलग स्पीशीज़ ने कर लिया कॉपुलेशन और जो मेल गैमेट था वो फीमेल गैमेट की बॉडी के अंदर चला गया, तो जैसे ही अंदर जाता है तो यहाँ पे इसके फैगोसाइटोसिस हो जाती है, मतलब मर जाता है, तो उसका मोर्टैलिटी हो गया, तो दैट इज़ गैमेटिक आइसोलेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्पर्म ऑफ वन स्पीशीज फेल टू फ्यूज विद द अदर स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखोगे आप, वही जो मैंने आपको भी बोला कि यहाँ पे एक साइंट, यहाँ पे एग्जांपल आप उसका लिख लो टोड स्पीशीज का, ये शायद ऑब्जर्व किया था वोल्प ने किया था, वोल्पे ने किया था 1960 में। सो व्हाट ही ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व द फिनोमिनन ऑफ गैमेटिक मोर्टैलिटी, किसमें, मैंने आपको बताया टोड स्पीशीज जो होती है, ठीक है, बूफो फाउलेरी और बूफो वेलिसेप्स, अगर आपको स्पेसिफिक भी होना है कि कौन सी स्पीशीज है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। सो दैट इज द पोस्ट मेटिंग बट प्री जायगोटिक। अब जो सेकेंड टाइप है इसका वो मैं आपको बताता हूँ, पोस्ट मेटिंग पोस्ट जाइगोटिक। ठीक है, मान लो अगर गैमेट पहुँच गया, गैमेट रीच कर गया, तो गैमेट ने एक दूसरे के साथ मिल गए, तो गैमेट मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद उसको कैसे रोका जा सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपका पोस्ट मेटिंग पोस्ट जाइगोटिक, ठीक है, मेटिंग हो गई और जाइगोट भी बन गया। ठीक है, तो अब इसको रोकने के लिए दो तीन चार स्टेज पे फिर इसको रोका जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको इसमें आ जाता है जाइगोटिक मोर्टैलिटी। ठीक है, जो जाइगोट बना है उसकी मोर्टैलिटी आ जाएगी। तो गैमेट मान लो फ्यूज कर भी गया बट जाइगोट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कैसे होता है, देखो कुछ केसेस में क्या होता है, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मान लो पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये फीमेल गैमेट है, तो इसके पास जब मेल गैमेट आता है तो मान लो ये इसके अंदर एंटर कर गया, समहाउ ये एंटर कर गया, स्पर्मेटोजोआ जो था वो एंटर कर गया। एंटर करने के बाद क्या होगा, जो स्पर्म का जो न्यूक्लियाई होगा, इसके अंदर इसका न्यूक्लियाई होगा जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, तो जब इसका क्लीवेज स्पिंडल बनेगा, ठीक है, जब इसका क्लीवेज स्पिंडल बनेगा, तो उस टाइम पर जो मेल गैमेट का जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट का जो न्यूक्लियाई है, स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है, वो आपका इलिमिनेट कर दिया जाएगा इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो आपका इसका मोर्टैलिटी, मतलब जायगोट मर गया ना, पूरी तरह से बनी नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन लिख दो कि गैमेट मे फ्यूज बट जायगोट नॉट सर्वाइव्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बोला इन एनिमल विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ जो मैंने बोला है वही इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मे एंटर द एग बट स्पर्म न्यूक्लियाई इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द क्लीवेज स्पिंडल। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे क्लीवेज स्पिंडल जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक स्टेज होती है, बस ये समझ लो। सेकंड है आपका, एक तो जाइगोटिक मोर्टैलिटी हो गया। अब मान लो जाइगोट इस स्टेज को भी वो पार कर गया, हो गया, तो अब जब ऑर्गेनिज्म बनेगा तो हाइब्रिड बनेगा। मान लो टाइगर था वो लायन के साथ हाइब्रिडाइज कर रहा था, तो वो आपका हाइब्रिड बनेगा। तो अब जो हाइब्रिड बनेगा उसकी इनवायबिलिटी हो जाएगी, मतलब वो वायबल ही नहीं होगा। जो कहने का मतलब ये है कि उसका सर्वाइवल रेट जो होगा, जो विद इन द स्पीशीज़ वाले जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनसे कम उनका सर्वाइवल रेट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइब्रिड इनवायबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है, तो मैं यहाँ पे जो मैंने अभी हिंदी में बोला वही मैं लिख देता हूँ, तो जाइगोट डेवलप्स नॉर्मली बट द हाइब्रिड
ठीक है, मतलब ये स्टेज नॉर्मली कैरी आउट हो गई, कैरीड आउट हो गई, उसके बाद हाइब्रिड जो हैव लोअर सर्वाइवल रेट किससे देन नॉन हाइब्रिड, मतलब जो ओरिजिनल वाले हैं उनसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके, तो जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल लिख लो आप कि जो एक एक साइंटिस्ट था बेरी और वॉरविक, ठीक है, उन्होंने क्या करा, गोट और शीप जो थी उनके बीच में मेटिंग कराई, और मेटिंग कराई तो उसने देखा कि जो एम्ब्रियोज थे वो नॉर्मल थे, लेकिन जो एम्ब्रियो नॉर्मल थे जब वो आगे फर्दर उनका डेवलपमेंट होने लगा तो फिर वो मर गए। क्यों? बिकॉज ऑफ जीन इनकम्पेटेबिलिटी, जीन इनकम्पेटेबिलिटी के कंसेप्ट की वजह से। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला है वही आप इंग्लिश में लिख लो, बस मैं साइंटिस्ट के नाम लिख देता हूँ, वॉरविक एंड बेरी। ठीक है, तो वॉरविक एंड बेरी ने क्या कराया, इन्होंने क्रॉस कराया गॉट और शीप के बीच में। तो गॉट और शीप के बीच में क्रॉस कराया तो इनके जो एम्ब्रियो बने वो नॉर्मल बने, नॉर्मल एम्ब्रियो, बट डाई आउट ऑन फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ जीन इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, जीन उनके कंपैटिबल ही नहीं थे, तो जीन कंपैटिबल नहीं होंगे तो जीन इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड। थर्ड है आपका इसमें, मान लो कि अगर ऑर्गेनिज्म इस स्टेज को भी पार कर गया, ठीक है, मान लो यहाँ से भी उसका डेवलपमेंट हो गया और वो ऑर्गेनिज्म अडल्ट हो गया, तो अब अडल्ट होने के बाद क्या होगा कि वो स्टेराइल हो जाएगा। मान लो बन भी गया तो वो स्टेराइल होगा या वो फर्टाइल ही नहीं होगा। जैसे आपने एग्जांपल अगर सुना हो म्यूल, म्यूल देखा आपने, जो डोंकी से, जो डोंकी जो होता है ना उससे ज़्यादा एंड्यूरेंस होता है म्यूल में, तो वो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का जो क्रॉस है ना उसकी वजह से म्यूल बना है। या आपने लाइगर का नाम सुना होगा, तो लाइगर आपका मेल लायन और फीमेल टाइगर से मिलकर बना है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जब बनते हैं तो ये फर्दर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइब्रिड स्टरिलिटी। ठीक है, तो हाइब्रिड जो है वो स्टेराइल है, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में जो हाइब्रिड बने, तो द F1 हाइब्रिड्स ऑफ वन सेक्स, या आप ऐसे लिख लो F1 हाइब्रिड्स फेल टू प्रोड्यूस फंक्शनल गैमेट्स। ठीक है, तो वो गैमेट्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, फंक्शनल गैमेट ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जनरेशन आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, और जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी तो खत्म वहीं पे। ठीक है, तो ये आपका इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो म्यूल और लाइगर। तो व्हाट इज म्यूल? म्यूल इज द क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी, लिखूँ क्या, चलो सुन आप लिख लो, म्यूल जो है वो क्रॉस है मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में, और जो लाइगर है वो आपका मेल लायन और फीमेल टाइगर के बीच में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और लास्ट इसमें एक तरह से और है आपका, वो है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप बैक क्रॉस करा दो किसी ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवर हुआ है, जैसे मान लो इसी का जो F2 था, अगर उसको आप, वैसे तो इसमें नहीं बन रहा है, बट अगर मान लो बैक क्रॉस करवा रहे हो, तो बैक क्रॉस कराने के बाद क्या होगा, जो फर्टिलिटी की वायबिलिटी है ना वो कम हो जाएगी। तो आप इसको चाहो तो लिख लो, चाहो तो छोड़ दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइब्रिड ब्रेकडाउन या इन्फीरियोरिटी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हाइब्रिड बना था ना, अगर उसका आपने F2 ले लिया, F2 मतलब नेक्स्ट जनरेशन अगर उसकी ले ली, तो वो वायबल ही नहीं है ना, वो तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा ना, तो आपको दोबारा से फिर शुरू से उसका वापस से मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का दोबारा से फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका हाइब्रिड ब्रेकडाउन हो गया, मतलब हाइब्रिड जो बना था वो आगे चल ही नहीं पाया, ठीक है, अगली जनरेशन में। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सिग्निफिकेंस क्या है आइसोलेशन का। ठीक है, ओके, तो सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोलेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, तो चार पांच सिग्निफिकेंस आपको पता हो तो आप एग्जाम में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम जो शुरू में ही हमने पढ़ा था कि इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द इंटेग्रिटी ऑफ जेनेटिक सिस्टम ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, तो जेनेटिक जो हेरिटेबल इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करने का काम करती है, उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। ठीक है, तो पहला तो मैं वही लिखूंगा, तो प्रिवेंट्स द इंटेग्रिटी ऑफ द जेनेटिक सिस्टम ऑफ द स्पीशीज। ठीक है,
पर्टिकुलर स्पीशीज़ का जो जेनेटिक सिस्टम है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं पॉइंट यहाँ पे बोलूँगा कि आइसोलेशन की वजह से जो मीटिंग होती है वो इफ़िशियंट हो जाती है, क्योंकि आप जो नॉन इफ़िशियंट मेंबर्स होंगे वो मीटिंग कर नहीं पाएंगे, और नॉन इफ़िशियंट मेंबर अगर मीटिंग नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, मीटिंग की जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ गई, तो इट इंक्रीजेज द इफ़िशियंसी ऑफ मीटिंग, ओके। उसके बाद अब देखो मीटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और जेनेटिक सिस्टम की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, उसके अलावा इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन होने में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे हम पहले पढ़ गए नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के हिसाब से, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि म्यूटेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट एक्सक्लूसिव इसमें से कुछ भी नहीं है, वैसे ही आइसोलेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवोल्यूशन का, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इवोल्यूशन। कैसे? क्योंकि जब आपका आइसोलेशन होता है तो उसकी वजह से नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो स्पेसिएशन में हेल्प करता है आइसोलेशन। कैसे स्पेसिएशन में हेल्प करता है? मान लो कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन यहाँ पे रहती थी, ठीक है, तो इस पॉपुलेशन में क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद इनका डिवीजन हो गया। मैं इसको ग्राफ से समझाऊँगा, चलो मैं पहले इसको ऐसे बताता हूँ। तो इनमें क्या हुआ कि अलग अलग जो स्पीशीज़ थी वो अलग अलग ग्रुप में बढ़ गई, ठीक है। कुछ टाइम बाद के इनमें से कुछ जो थे वो ऐसे रहने लगे, कुछ इधर रहने लगे, कुछ इधर रहने लगे। तो जब इनका सेग्रीगेशन हो गया तो इन्होंने यहाँ के एनवायरमेंट के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करी, इन्होंने यहाँ के हिसाब से करी, इन्होंने यहाँ के हिसाब से करी। तो जब इन्होंने यहाँ के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करी तो ये यहीं के इसके जैसे हुए, जो जैसे यहाँ पे एनवायरमेंट का, तो ओवर अ पॉपुलेशन मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिला कि ये इस तरह के बन गए कुछ, ठीक है। ये अलग टाइप की स्पीशीज़ बन गई, और इनका जब डेवलपमेंट हो तो ये अलग टाइप की स्पीशीज़ बन गई, और इनका जब डेवलपमेंट हुआ तो ये आपका अलग टाइप की स्पीशीज़ बन गई, ठीक है। तो स्पेसिएशन में बहुत बड़ा रोल होता है आपका इसका, किसका? आइसोलेशन का, ठीक है। और ये मैं आपको उससे बताता हूँ, ग्राफ से बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका जेनेटिक डिस्टेंस, मतलब कितना दूरी पे ये पहुंचे, जेनेटिक डिस्टेंस कितना है, और यहाँ पे मैं टाइम लिखता हूँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर एक पॉपुलेशन मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ पेरेंट स्पीशीज़, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया पेरेंट स्पीशीज़। ये आप एग्जाम में बना के आ सकते हो, ये वाला, ये तो नहीं बना सकते, समझाने के लिए था, ये आप एग्जाम में बना के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जो पेरेंट स्पीशीज़ थी यहाँ पर इंटरब्रीडिंग होती थी, तो हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि एक बैरियर क्रिएट हो गया। मान लो इसमें से कुछ पॉपुलेशन जो थी वो यहाँ पे जाके रहने लगी, और कुछ पॉपुलेशन जो थी वो यहाँ पे जाके रहने लगी। क्यों? बिकॉज ऑफ अ बैरियर, ठीक है। इनके बीच में कोई बैरियर आ गया, कुछ भी बैरियर आ गया, मान लो पेड़ टूट के गिर गया, तो कुछ जो रेड्स थे जो इधर रहते थे वो इधर ही रह गए, कुछ जो थे वो इधर रह गए थे तो इधर ही रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक बैरियर आ गया आपका, ठीक है। तो इस बैरियर ने क्या करा, इस मेन स्पीशीज़ को दो पार्ट में बांट दिया। मैं मान लो ए भी मान लेता हूँ, तो ए स्पीशीज ये हो गई और बी स्पीशीज ये हो गई, ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि जब ये स्पीशीज जो थी विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे से जेनेटिकली सिमिलर हैं, लेकिन इनकी जो रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी है ना वो नहीं रह पाएगी कुछ टाइम बाद, जब ये बनने लगी। मान लो ये कुछ टाइम बाद जाके यहाँ पे मानते हैं, और इसको कुछ टाइम बाद जाके मान लो यहाँ पे देखते हैं, तो इससे जो स्पीशीज़ बनी थी, ठीक है, जेनेटिकली ये दोनों सिमिलर थे, लेकिन जब जिस इन्वायरमेंट में ये लोग रहने लगे तो ये उसी इन्वायरमेंट के साथ बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी स्पीशीज़ बनेगी किसी ए की, तो मैं इसको बोलता हूँ डॉटर ऑफ डॉटर ऑफ स्पीशीज़ ए, और यहाँ पर जो स्पीशीज़ बनेगी दैट इज़ डॉटर ऑफ स्पीशीज बी, ठीक है। तो ये बी स्पीशीज बी, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं आपकी, अब यहाँ तक ये रिप्रोडक्टिवली कंपेटिबल थे, बट जब ये इस इन्वायरमेंट में ग्रो करे और ये इस इन्वायरमेंट में ग्रो करे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये देखो, इनके बीच में जो जेनेटिक डिस्टेंस है, पहले ये यहीं पर थे, अब इन दोनों में जो जेनेटिक डिस्टेंस है इस एक्सिस पे जो मैंने जेनेटिक डिस्टेंस माना वो देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो जब ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव इनकम्पैटिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव इनकम्पैटिबिलिटी establishes, ठीक है। तो ये मैं आपको ग्राफ की तरह से बनाया, तो दिस इज द रोल ऑफ, ये क्या है आपका रोल ऑफ, ये चौथा पॉइंट है, रोल ऑफ आइसोलेशन इन स्पेसिएशन,
ठीक है, स्पीशीज़ के नए स्पीशीज़ के बनने में आइसोलेशन कैसे रोल प्ले कर रहा है वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा पांचवा पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि आइसोलेशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन था उसी की तरह इंपॉर्टेंट, आइसोलेशन आपके इवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट तो मैं बोल ही चुका हूँ, क्या बोलूँ बार बार, ठीक है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन की वजह से क्या क्या आपको देखने को मिला या उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम स्पेसिएशन लेंगे, क्योंकि स्पेसिएशन हमने यहाँ पे छोड़ा है तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि मजा आए पढ़ने में कंटिन्यूटी के साथ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जब आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं आपसे डबल सपोर्ट दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। बाय।